वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अविनाश वर्मा। आप देख रहे हैं अविनाश वर्मा ब्लॉग को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यार हम लोग जा रहे हैं नालंदा कॉलेज, क्योंकि कल जा करके बोना फाइट लाया था यार, लेकिन बोना फाइट में कुछ गलती था, इसलिए आज हमको फिर से जाना पड़ रहा है। तो चलो, नहर पे जो सोगरा कॉलेज है वहां पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चेकिंग भी होता है और यहाँ पे यार ओवरफ्लाई बन रहा है। ठीक है, मतलब जो भराव पर है, भराव पर क्या कहता है, LIC ऑफिस है ना, वहां से ले करके मतलब क्या कहता है, सोगरा कॉलेज के पास तक अभी बनेगा ओवरफ्लाई। और इधर मामू का चेकिंग चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। पता नहीं वीडियो में दिखाई दिया होगा या नहीं, नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल यार गाड़ी का तेल देख लो, एकदम नहीं भाई, एकदम सूख चुका है गाड़ी में पेट्रोल, देख सकते हो। तो अभी हम लोग को फिलहाल गाड़ी में पेट्रोल लेना है, तो यही गंजवान में सुने अच्छा पेट्रोल मिलता है, तो चलो आप वहाँ से पेट्रोल लेके आपको दी। पेट्रोल लेने के बाद आपको आगे मिलते हैं। तो फाइनली यार गाइस, हमने गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया है, ये देख लो। और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भराव पे, देख सकते हैं। और भराव पे हमेशा की तरह बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, देख सकते हो यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। मतलब क्या कहता है, मगड़ा मार्केट की तरफ आया हूँ और मगड़ा मार्केट की तरफ आने के बाद गाड़ी एकदम रुका हुआ स्थिर है यार। इधर फोर व्हीलर का जगह नहीं है, लेकिन बाकी सब फोर व्हीलर घुसा देता है, क्या करे। तो फाइनली यार गाइस, हम लोग अभी पहुंचे हैं धनेश्वर घाट। और धनेश्वर घाट का क्या हाल है यार, मतलब अब तो छूट गया यार, मतलब 10th 12th का क्लास ये सब। मैं तो धनेश्वर घाट से यार हमेशा से मेरा रिश्ता रहा है, मतलब 2-3 साल तो इधर ही पढ़ा हूँ, इधर ही आया हूँ और इधर खूब सारा मस्ती किया यार, इंजॉय किया, हर चीज़ किया भाई। जो यार ये गले भी हम लोग का याददाश्त में हमेशा बसा रहेगा, देख लो, ये भी धनेश्वर घाट का ही सीन है। यार धनेश्वर घाट का मंदिर धीरे धीरे। तो बातों में बातें यार, मैं यार हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़ पे, और ये है गढ़ पर का मार्केट छोटा। ये सामने से स्टूडेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, BCA डिपार्टमेंट का, तो लगता है छुट्टी। ठीक है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यार हम लोग भी पहले ऐसे ही साइकिल से जाते थे फर्स्ट ईयर में, देख लो BCA का स्टूडेंट है सब, फर्स्ट ईयर का याद दिलाता है सबको, देखते हैं। तो फाइनली यार हम लोग नालंदा कॉलेज के पास पहुँच चुके हैं, और ये है नालंदा कॉलेज का कुछ बाहर का, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नालंदा कॉलेज के अंदर ही है। ठीक है, तो चलो अब अंदर मुड़ जाओ। अरे उद्घाटन समारोह कुछ है यहाँ पे, चलो। तो फाइनली यार हम लोग नालंदा कॉलेज के अंदर एंट्री ले चुके हैं, और ये देख लो कुछ इस तरह से सीन है नालंदा कॉलेज का। और ये बीच में है हेड ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, और उधर का सीन कुछ इस तरह से। और फाइनली यार हम लोग का ये है BCA डिपार्टमेंट। राहुल गाड़ी चला रहा था, अब लगा दिया है, हम लोग आ चुके हैं अपना कॉलेज में। और ये है MCA डिपार्टमेंट, और BCA का भी इसी में है, तो हम लोग अब अंदर जाने वाले हैं और मैम से सही करवाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम नालंदा कॉलेज में आए हुए हैं, और यहाँ आने के बाद यार देख लो क्या मिस्टेक हुआ, आपको दिखाता हूँ। मतलब बोला फाइट है यार, क्या बोलूँ। देखो अप्लीकेशन देखो क्या लिखा हूँ। देखो यार अप्लीकेशन में लिख किया था BCA पार्ट 3rd, और सेशन है 19 से 22, लेकिन यहाँ देख लो क्या है, पार्ट 1 ऑनर्स है, और देखो 22 से 25 सेशन है। और यहाँ पे अभी हम लोग को सर भी नहीं मिल रहे हैं, ताकि ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अवेलेबल मैम से मिल के आया था, तो ऑफिस में तो ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग करना मना रहता है, तो चलो अब देखते हैं सर को खोज के कहाँ है। ये हम लोग का नोटिस बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पे बोनाफाइड के लिए भी टंगा हुआ है। तो यार भाई ये है हम लोग का क्लासरूम, चलो आपको दिखाता हूँ। ये खिड़की है, इसलिए यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ, आपको आगे पीछे दिखाता हूँ। और ये है हम लोग का क्लासरूम, देख लो साला, जब हम लोग था ना तो ये तो था, ये जो बोर्ड है ये था, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड नहीं था, मन करता है तोड़ दूँ, बहुत गुस्सा आता है यार कॉलेज वाला पे। इस तरह से कुछ हम लोग का क्लासरूम था फर्स्ट ईयर में। और ये देखो ये डिजिटल बोर्ड यही है, जो कि हम लोग के जाने के बाद लगा है, ये पहले से था। और ये प्रोजेक्टर है, और कुछ इस तरह से हम लोग का क्लासरूम था, लेकिन ये नहीं था भाई, गुस्सा भर रहा है, लग रहा है ईंट मार के फोड़ दो। हम लोग को जाने के बाद देखो कॉलेज कितना तरक्की कर गया, यही था हम लोग का क्लास। और यहाँ पे आकर के कुछ इस तरह से लेक्चर चलता था हम लोग को। और यार बोनाफाइड वाला काम भी अभी नहीं हुआ है, मैम बोली है कि 2 दिन बाद आने के लिए, ताकि बोनाफाइड और जो प्रिंसिपल का साइन होता है वो सारा चीज़ करा के रखे, जो गलती हुआ है उसको सुधार कर। और ये देख लो पूरा नालंदा कॉलेज का सीन है कुछ इस तरह से, और मेन जो ऑफिस सारा काम होता है यही होता है, MBA BCA और MCA को छोड़ करके जो ग्रेजुएशन कराते हैं 12th कराते हैं सारा चीज़ यहीं पे होता है। तो चलो अब यहाँ पे हम पूछते हैं, वो काम है मुझे बस। ठीक ठीक, मार्कशीट और कार्ड लाना पड़ेगा 12th का सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो इतना चीज़ लेके आना। चलो हम
नालंदा कॉलेज का सीन है, देख सकते हो इधर प्रिंसिपल ऑफिस और ये ग्राउंड। भाई हम लोग का काम नहीं हुआ है, ठीक है, और बिहान गाड़ी चला रहा है और मेरे पीछे है नालंदा कॉलेज और हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। और ये देख लो, ये है MBA डिपार्टमेंट का बिल्डिंग। तो यार नालंदा कॉलेज के बाद हम लोग आ चुके हैं सोगरा स्कूल, है ना जी, सोगरा हाई स्कूल। इसमें बिहान का काम है कुछ, तो पता नहीं साला ये क्या करेगा, इसको भी कुछ काम है। तो ये देख लो, यही है सोगरा स्कूल का सीन, घुसा दो इसमें गाड़ी, हम आ दे रहे हैं। ये भाई सोगरा हाई स्कूल और इसमें इसको कुछ काम है, ठीक है। और ये प्रिंस यार हम लोग आए हुए हैं सोगरा हाई स्कूल में और बिहान गया हुआ अंदर यहाँ से, तो अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना ये सब करना मना है, तो अंदर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हर एक कॉलेज और स्कूल का अपना अपना रूल रहता है, ठीक है। और उसका वेट करते हैं, देखो कितना देर में आता है, उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे यहाँ से घर। एंट्री गेट और इधर इस तरह से कुछ बिल्डिंग है और ये देखो कैसे फान के जा रहा है, देखो यह देखो, और ये गाय माता दौड़ के आ रही है स्कूल में। तो यार सोड़ दा बिहान को, इसका काम नहीं हुआ है, फॉर्म भरना है। कौन सा फॉर्म भरना है, देखो 10 रुपये देगा साला, इतना बड़ा फाइल तुम बेकार ही ले आया है, फॉर्म आते ना।